टैबलेट ये डॉक्टर आपको मेंटल डिसऑर्डर में प्रेस्क्राइब करते हैं तो किस तरह के डिसऑर्डर में डॉक्टर इसे करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें तक टैबलेट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल ऐड किया गया पहले उसे जान लेते हैं जिसके तो अंदर ओला ओलान जपाइन ऐड किया गया है जो टेन एमसी है इसका इस्तेमाल तभी करना रहता है जब आपको मेंटल डिसऑर्डर रहता है जिसमें आपको मानिया हुआ है या जैसे कि आपको सचिफोर्निया हुआ है जिसमें आपका ऐसा बिहेवियर रहता है कभी आप खुश हो जाते हैं कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके बाजू में कोई है या कभी आपको ऐसा लगता है कोई है ही नहीं आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आपके ख्याल हमेशा डिफरेंट रहते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी है कभी मैच करती है इन्वायरमेंट से कभी नहीं मैच करती है आप अपने आप में भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं या चलते चलते आप कुछ किसी को बोल देते हैं जो आपके लिए आपके ऐसा आपके साथ से सही है आपके हिसाब से सही है लेकिन सामने वाले के हिसाब से गलत हो सकते हैं यानी कि आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इन्वामेंट से जिसमें आपका बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है आप खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन आप गलत हो जाते हैं आप ना खुश कर देते हैं क्योंकि आपका जो कनेक्टिविटी है वो बराबर नहीं है इन्वायमेंट से तो जिसमें मेंटल डिसऑर्डर ऐसा रहता है कि जिसमें आप कभी फील करते हैं काफी अच्छा कभी काफी बुरा काफ़ी आपको कोई ऐसा लगता बहुत करीब है काफ़ी लगता काफ़ी दूर है तो जो आपके जो अंदर जो दिमाग में जो सब ख्याल चलते रहते हैं उसी को ठीक करने के लिए वह आपके ख्याल कम आए आप अच्छे फील करें इन्वायरमेंट से कनेक्ट करें इसके लिए डॉक्टर आपको इसे प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका जो डोज रहता है मोस्टली ओडी डोज रहता है हो सकता है आपकी समस्या में डॉक्टर ट्वाइस भी दे सकते हैं इसे तब तक दिया जाता है जब तक कि आपकी समस्या बनी रहती है कभी कभी आपको जैसे कि वन मंथ कभी कभी उससे ज्यादा भी इसे खाना खाने के पहले आप बाद में भी ले सकते हैं जहाँ तक वो खाना खाने के बाद लें ताकि आपको कमजोरी या चक्कर जैसा ना महसूस हो अगर आप खुद से इस मेडिसिन को लेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है नींद वगैरह कम आ सकती है वेट गेन कर सकते हैं ऊँह में पानी की कमी महसूस हो सकता है ज़्यादा नींद आ सकती है कमजोरी जैसा थकावट जैसा महसूस कर सकते हैं जो हर किसी में किसी किसी में देखने को मिलता है तो वीडियो जरा से भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा ऐसे अपडेटेड रहना चाहते तो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डाउट है तो पूछ सकते फिर मिलते हैं